अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अजहर, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकी आवाज़। इंडिया कल अब मैच हार गई है श्रीलंका से और लास्ट बॉल में वो मैच जीती है और सारी इंडियन आवाम ने अपनी टीम की बड़ी ज़्यादा धुरकड़ बना दी है और गालियाँ और डंडे और बोतलों से उनका स्वागत किया है। और जब वो मैच हार गई, क्योंकि ये दूसरा मुसलसल मैच था जो वो हार चुकी है, पहला वो मैच वो पाकिस्तान से हारी और दूसरा मैच वो श्रीलंका से हार गई। अब सिचुएशन बड़ी ही खतरनाक हो चुकी है इंडिया के लिए। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है, अगर अब ये सिचुएशन आ गई, अगर मगर तगड़ वाली सिचुएशन आ गई है, क्योंकि अगर ये मैच हार जाती है अफगानिस्तान तो समझ लो कि इंडिया मैच से हो गई बाहर, और अगर पाकिस्तान मैच हार जाता है और आगे जो है ना श्रीलंका और मतलब जो अगले दोनों मैच हैं वो पाकिस्तान फिर हार जाता है तो आप समझ लें फिर जो है कि ना इंडिया का चांस आता है। अब बात अगर मगर की हो गई है, जब समझ लें कि अफगानिस्तान से आज मैच वो हार गए और उसके बाद फिर वो अगला मैच भी हार गए पाकिस्तानी, तो फिर जाके इंडिया अपना अगला मैच जीतती है भारी रन रेट से, तो उसमें ये हो जाता है फिर इनके पास 6-6 पॉइंट्स हो जाएंगे और दोबारा से वो फाइनल खेलने की सिचुएशन में होंगे। अब आज वो सारे दुआ कर रहे हैं कि अफगानिस्तान बड़ी भारी मार्जिन में जीते और अगला मैच पाकिस्तान हारे, फिर जाके इंडिया अपना वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो खेल सकती है। लेकिन इंडियन अवाम, इंडियन मीडिया ने बहुत ही ज्यादा दुर्घटना बना दी है इसकी, और ये बताया जा रहा है कि इंडिया की अवाम एयरपोर्ट पर तैयार है इनका इस्तकबाल करने के लिए, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान से जीते हैं और एक मैच से पाकिस्तान से हार चुके हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।